हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी मैंने कोरियन सीरीज़ देखी, हालांकि इसके सारे एपिसोड्स अभी आए ही नहीं है, सिर्फ दो ही एपिसोड आए हैं और मैं दो ही देख पाया। इसका नाम है बुलगासल, और आई डोंट नो वेदर आई एम इवन प्रोनाउंसिंग इट राइट ऑल्सो और नॉट, तो वो आप चेक कर लेना क्या बोल रहे हैं। बुलगासल ऐसे करके कुछ नाम है, BULGASAL, अगर आपको सर्च करना हो तो। बुलगासल इमॉर्टल सोल्स इसका नाम है। इसके बेसिकली 16 एपिसोड हैं, जिसके अंदर से दो एपिसोड आ गए हैं। अब नेटफ्लिक्स के अंदर ये किस तरीके से इसकी रिलीज स्ट्रैटेजी होगी, वो इस तरीके से होगी कि हर सैटरडे संडे में एक एक एपिसोड आएगा, और जब तक इसके 16 एपिसोड नहीं हो जाते, यानी 8 वीक्स तक आता रहेगा, यानी 2 महीने के अंदर। अब ये सीरीज मुझे जो थोड़ी सी डिफरेंट लगी, थोड़ी सी एंगेजिंग लगी, और जिस तरीके से इसमें पास्ट और प्रेजेंट का यूज़ किया गया, वो बहुत अच्छा लगा। और कोरियन है तो आप कुछ एक नई चीज़, नई स्टोरी, नए तरीके का एस्पेक्ट भी इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जिस तरीके से प्रेजेंटेड है विजुअली, दैट इज़ लाइक अमेजिंगली डन, बिकॉज दे हैव टू स्विच बिटवीन टूडेज़ टाइम एंड 600 साल पुराना टाइम। तो उस तरीके से जो स्विच ओवर हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को अमेजिंग लगा। और कहानी में आप देखते हैं कि एक इंसान है जिसका नाम है डैन हॉल, और ये डैन हॉल कभी ह्यूमन हुआ करता था 600 साल पहले, अब ये इमॉर्टल हो गया। तो किन वजहों से ये इमॉर्टल बन गया, और ये क्यों अपने आप को हाइड कर रहा है आज की डेट में, क्या इसका कर्स है कि ये इमॉर्टल बना हुआ है, और ये किस चीज़ से रिवेंज लेना चाहता है, जो ये अपने इनिशियल नरेटिव में भी बोलता है। एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू अ गर्ल जिसका में मिन सैंगून, और मिन सैंगून जो वुमन है वो बार बार रीबॉर्न होती है, लेकिन इसको सारी यादें हैं 600 साल तक। ये औरत कौन है, वाई इज़ शी एबल टू रिमेंबर एवरी बिट ऑफ इट, ये चीज़ें आप यहाँ पर डिस्कवर करते हो। बट जो मॉडर्न टाइम में इन दोनों इंसानों की जद्दोजहद है, दोनों के लिए किस्म का कर्ज है, क्योंकि अगर आप 600 साल की यादें लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चलते हो, जो मिन सैंगून के कैरेक्टर के अंदर ईजीली दिखता है। और जो ये वॉरियर दिखाया गया है डैन हॉल, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा सौरों के अंदर है, क्योंकि अनवॉन्टेडली ये बेसिकली इमॉर्टल हो गया है, और जो ग्रीवियंस है इसकी, अकेलेपन की जो ग्रीवियंस है, 600 साल से अकेला है, अपने आप को छुपा के घूम रहा है, वो आपको इसके कैरेक्टर के अंदर भी दिखती है। बट एट द सेम टाइम ये किसी चीज़ से रिवेंज लेना चाहता है, ताकि ये जो कर्स है इससे हट जाए। बैकग्राउंड में हमें कुछ 600 साल पुरानी नरेशन भी सुनाई जाती है, जो कि कुछ मॉन्स्टर्स की हैं, जो ह्यूमन ईटर मॉन्स्टर्स होते हैं। ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये स्टोरी का लिंकेज उसी से होता है, वो आप देखना। जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, प्रेजेंट से शुरू करके धीरे धीरे पास्ट में भी पूरा ना जाके फ्लैशबैक्स में दिखाना, उससे आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विजुअली बहुत अच्छा है, कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे यूज़ करे गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला, एक तो आपको मॉडर्न अटायर यूज़ करना है, फिर पुराने ज़माने का अटायर यूज़ करना है, फिर सोल्जर्स और जो उस ज़माने के राजा महाराजा टाइप होते थे, पूरी डायनेस्टी होती थी, उसके जो ड्रेसेस होते थे, कल्चर होता था, उसको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया। बाकी हाँ, मैं और एपिसोड्स में जाके पता चलेगा कि एक्चुअली में ये मुद्दा है क्या, ये दोनों लोग हैं कि वो कैसे इनकी लाइफ कनेक्ट करती हैं। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा कि मुझे आपके को ये बताना चाहिए। नॉट एवरीबडी इज़ अ फैन ऑफ कोरियन ड्रामा, बट इट इज़ रियली गेनिंग स्टीम, तो काफ़ी लोगों को पसंद आना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द यूनिक स्टोरीज दैट कोरियन पीपल रियली ब्रिंग फॉरवर्ड, चाहे वो हेल बाउंड हो, स्क्विड गेम हो, और भी बहुत सारी हैं, पैरासाइट ले लो जो उनकी मूवी आई थी, तो बहुत सारी ऐसी, ट्रेन टू बुसान ले लो, ये सारी जो है इनके अंदर कुछ अलग सी कहानी होती है, अलग सा ही ट्रीटमेंट होता है, और जिस तरीके से ये ह्यूमन लाइफ की जद्दोजहद दिखाते हैं, और जिस तरीके से लोनलीनेस को प्रेजेंट करते हैं, ह्यूमन इनसाइट्स को बहुत अच्छे से आगे लेके जाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। आप भी देखो, ये काफ़ी अच्छा खासा सा फैंटेसी थ्रिलर है, जो आपको एंगेज करना चाहिए। मैं दो ही एपिसोड आए हैं, एक एक घंटे के आसपास है, 2 घंटे इस पर डिवोट कर लो, अगर मज़ा आएगा तो हर सैटरडे संडे कंटिन्यू कर लेना, अदरवाइज फिर छोड़ देना। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर अभी फ़िलहाल के लिए इसके लिए रहेगा, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सीरीज, थोड़ा पहले 20-25 मिनट स्लो है, वो आपको कैरेक्टर बिल्डिंग जो टिपिकल कोरियन ड्रामास में होती है वैसे आपको लगेगी, बट अदरवाइज इट्स अ गुड सीरीज़, आई लव्ड इट। आई थिंक मैं तो कंटिन्यू करूँगा, और बीच बीच में हर दो दो एपिसोड के बाद मैं इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। बाय बाय।